हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फोटेक अथॉरिटी। दिस इज खेमानंद। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको फिर से एक बढ़िया सा पीसी बिल्ड दिखाने वाला हूं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो आप, हमने सारी कंपोनेंट यहां पे लगा दिया है, सिस्टम यहां पे ऑन कर दिया है और सारे कंपोनेंट यहां पे लगा दिया है। तो आज का जो पीसी बिल्ड है, ये मतलब काफ़ी बजट फ्रेंडली पीसी बिल्ड होने वाला है। आज से पहले हमने 2.5 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का पीसी बिल्ड बनाया। ये पीसी बिल्ड होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 52,000 का। तो इसमें हमने एक प्रोफेशनल ग्राफिक कार्ड भी यूज किया हुआ है और i3 का ये सिस्टम है, 12 जेन का, तो जिसमें आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह कर पाओगे और एडिटिंग वगैरह कर पाओगे। तो इसके बारे में अब मैं आपको सारा कंपोनेंट के बारे में एक एक करके बताऊंगा। उससे पहले एक बार इस कैबिनेट के बारे में देख लेते हैं, इसका क्या लुक होता है। उसके बाद सारे कंपोनेंट के बारे में जानेंगे और मैं भाई उन भाई से भी मिलवा दूंगा जिन्होंने इस पीसी को ऑर्डर किया हुआ। जिन भाई ने इस पीसी को ऑर्डर किया हुआ है, जो कि दिल्ली के ही रहने वाले हैं, जिनका नाम है कृष्णा। तो ये हमारे कृष्णा भाई हैं जिन्होंने इस पीसी को ऑर्डर किया हुआ है, जो कि दिल्ली के ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो काफ़ी बढ़िया सा सिस्टम है, इसमें क्या करने वाले हो आप? मैं इसमें बेसिकली कोडिंग सीखूंगा और वीडियो एडिटिंग का शौक है तो वो भी हो जाएगा और गेम्स भी। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब i3 का सिस्टम है और कार्ड भी ठीक ठाक है। तो मतलब ज्यादातर आप कौन से गेम अगर प्ले, अभी है आपके पास कोई सिस्टम? अभी सिस्टम नहीं था लेकिन काफी मन था, तो फिर 12 जनरेशन भी काफी पॉपुलर हो रही है, अभी मैं परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है तो मैंने सोचा इसी के साथ बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है। तो इसमें आपकी गेमिंग वगैरह बेसिक गेमिंग हो जाएगी, बाकी तो सब कुछ बजट पे डिपेंड करता है। वैसे तो 2.5 लाख 3 लाख का सिस्टम ही लेने का मन करता है, लेकिन बजट भी मेन चीज़ होता है। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो अब जो है इसमें खूब मतलब जो भी आप एडिटिंग वगैरह कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब डिजिटल ओशन के बारे में कैसे जानते थे? डिजिटल ओशन आपके भी काफ़ी वीडियोज देखे थे यूट्यूब पे और भी वीडियोज थी, तो काफ़ी अच्छा था, भैया अच्छे समझाते थे। ठीक है, फिर सीधा मैं आज यहीं आ गया। ठीक है, चलो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो है अच्छे अच्छे तरीके से वीडियो एडिटिंग करना। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं इस पीसी के बारे में। इस पीसी का जो बजट है वो है 52,000 इंक्लूडिंग मॉनिटर। तो दोस्तों ये एक बेसिक गेमिंग सिस्टम भी है, एडिटिंग सिस्टम भी है और इसका बजट भी काफ़ी सही है। सिर्फ 52,000 में आपका कंप्लीट सिस्टम रेडी हो गया है। तो और अभी मैं दोस्तों आया हूँ डिजिटल ओशन नेहरू प्लेस में, जो यहाँ पर हर तरीके के कंप्यूटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे इनके ऑफलाइन स्टोर में आकर के परचेज कर सकते हैं या इनके वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर फ़ोन नंबर है, आप यहाँ पे जो आपको फ़ोन नंबर दिख रहा है उसमें से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस पीसी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर i3 का 12 जनरेशन प्रोसेसर यूज किया गया है, 12100F, जिसमें आपको 4 कोर 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं और इसकी जो इसमें 12 MB का आपको L2 कैसे मिल जाता है। तो 12 जनरेशन का CPU है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है बेसिक सिस्टम के लिए। तो इसके साथ यहाँ पर पेयर किया गया है 12 जनरेशन का जो बोर्ड होता है, बेसिक बोर्ड MSI की तरफ से, Pro H610। तो ये भी एक मतलब स्टार्टिंग बजट का बोर्ड है। तो इसमें आपको 2 RAM स्लॉट्स मिल जाते हैं, NVMe का स्लॉट्स मिल जाता है, Gen4 का सपोर्ट मिल जाता है। तो i3 के साथ ये काफ़ी बढ़िया काम करता है, तो इस बोर्ड को यहाँ पे यूज किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें रैम की, तो यहाँ पर T4s का RGB रैम यूज किया गया है, जो कि आपका 8GB का सिंगल स्टिक है, तो जो कि यहाँ पे हमने लगा दिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा लगता है। और यहाँ पर एक मेमोरी स्लॉट्स और खाली है जिसमें आप बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो यहाँ पर हमने इस MSI के 500GB SSD को यूज किया हुआ है, जो कि इसके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, साथ ही साथ आपके स्पीड को भी काफ़ी अच्छा कर देगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो ये हमारा ग्राफिक कार्ड है NVIDIA का T600, जो कि 4GB के साथ आता है और प्रोफेशनल ग्राफिक कार्ड है। इसमें आप एडिटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और आपकी गेमिंग वगैरह भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लगा रखा है, आप देख सकते हैं छोटा सा ग्राफिक कार्ड है।
तो लेकिन इसकी परफॉर्मेंस मतलब काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरीके से जो है ये सारा सिस्टम बिल्ड हुआ है इसके। तो यहाँ पर हमने ग्राफिक कार्ड भी हमारा नॉर्मल है और ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता, और हमारा जो प्रोसेसर है वो भी i3 है, तो इस वजह से हमने जो पावर सप्लाई यूज़ किया हुआ है वो भी 450 वाट का गीगावाट्स की तरफ से पावर सप्लाई है उसको यूज़ किया हुआ है, जो कि इस बिल्ड के लिए इनफ है। अब उसके बाद इसमें इस बिल्ड में आपका कीबोर्ड माउस भी इंक्लूड है, जो कि एंटी स्पोर्ट का जो सबसे फेमस कीबोर्ड गेमिंग कीबोर्ड होता है KM, जो कि यहाँ पे आप रखा हुआ देख सकते हैं। उसके अलावा ये मॉनिटर सैमसंग का 24 इंच का मॉनिटर भी इसमें इंक्लूड है, और सब कुछ मिला करके इसका जो बजट बनता है 52,000। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट में ये कैबिनेट का। ये जो कैबिनेट है ये है गैलेक्सी की तरफ से एक काफ़ी सुंदर सा कैबिनेट है। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो है Revolution 05। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बढ़िया सा, मतलब इसमें काफ़ी फैंस के लिए ऑप्शंस दिया गया है। इस फ्रंट में यहाँ पे 3 RGB फैन है और बैक साइड में भी एक है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर भी आपका फैन के लिए जगह दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पे हमने लगाया नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर सा प्यारा सा कैबिनेट है, और यहाँ पर ऊपर में आपको LED के RGB का स्विच वगैरह यहाँ पे आपको ऊपर में मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारा सिस्टम रेडी हुआ है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया, इसका बजट वगैरह भी बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरीके का बेसिक सिस्टम बनवाना हो या फिर आपको हाई एंड गेमिंग सिस्टम बनवाना हो तो आप यहां से बनवा सकते हैं डिजिटल ओशन से। इनके ऑफलाइन स्टोर में भी आप आकर के बनवा सकते हैं, या फिर आप इनके वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप या फ़ोन से ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो नंबर दिख रहा है उसमें से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।